सो लोग, इस वीडियो में बात करने वाले हैं, खास करके इंटरव्यू देने जा रहे हैं उन कैंडिडेट के लिए, कुछ बातों का ध्यान रखिए। तो उससे पहले एक बात बता दूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन कैंडिडेट के लिए जिनका रिजल्ट तो हुआ लेकिन उनका इकॉल लेटर नहीं आया है। तो ऐसा आपके साथ ही नहीं हुआ है, कुछ कैंडिडेट के साथ भी ऐसा हुआ है। तो आपको यह प्रॉब्लम आपका सॉल्व आपका एस एंड डी ऑफिस में ही होगा। आपका वहाँ पर विंडो हेल्प खुला रहता है 9 से 5, तो आपको उस बीच में आपका प्रॉब्लम बता दीजिए, आपको वहाँ पर सोल्यूशन जरूर मिल जाएगा। तो आप इस चीज़ से वंचित ना हो, आपका इंटरव्यू छूटे नहीं, इसलिए आप कोशिश कीजिए कि इंटरव्यू के दिन आपको पहुँचने के लिए, ताकि आपका एक्सलेंट दिया जाए और आपका इंटरव्यू हो सके पूरा। दूसरा प्रॉब्लम यह आ रहा है कि कुछ लोगों का इक्वल लेटर बाद में आया है, तो ये कैसे होगी ये तो पता नहीं, इस इंटरव्यू में क्या चल रहा है मुझे तो नहीं पता। लेकिन बहुत लोगों का बोला कि मेरा रिजल्ट तो नहीं शो किया था, कुछ दिन बाद जब जीमेल से चेक किया तो मेरा रिजल्ट आया। दूसरी बात याद रखने वाला ये है कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि बायोडाटा या फिर रिज्यूम मैं तैयार करके ले जा रहा हूँ, इसको ले जाना जरूरी है क्या ना। हालांकि ऐसा इक्वल लेटर में ऐसा लिखा नहीं है, और मेरे को जहाँ तक एक्सपीरियंस है कि ऐसा कुछ मांगता नहीं है कि बायोडाटा आपका होना चाहिए। जो आपका प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, जो आपका इक्वल लेटर में लिखा हुआ है, वही आपका इंटरव्यू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपका मांगेगा। तो आपका जो बेसिक नीड है, आपका ओरिजिनल 10th कॉपी और आपका मार्कशीट वगैरह और डोमिसाइल और फोटोकॉपी, जो भी इक्वल लेटर, सब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले हो जाएगा, उसके बाद आप इंटरव्यू के लिए अगले राउंड में जाइएगा। तो अपना डॉक्यूमेंट्स को आप गूगल ड्राइव में भी सेव कर लीजिएगा, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अगर कोई डॉक्यूमेंट गलती से छूट जाता है तो आप साइबर कैफे में जाकर उसका फोटोकॉपी कम से कम निकाल लें। और कभी कभार होता है कि किसी का बैग छूट जाता है, बहुत सारे दूर से कैंडिडेट आते हैं, तो ये भी प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखें कि गूगल ड्राइव में आप जरूर सेव करके रखें, और एक बार घर से निकलने के पहले सारा डॉक्यूमेंट्स आप रीचेक जरूर कर लीजिए। आप अपना कोशिश कीजिए सारा आप कुछ अपना रखने का, पेन, ग्लू, अपने आइडेंटिटी प्रूफ तो होना ही चाहिए, और अपना सैनिटाइजर भी रख लीजिएगा, थोड़ा कोविड का प्रोटोकॉल को फॉलो कीजिएगा, और अपना जैसे इंटरव्यू में जो ड्रेस कोड आपका क्या फॉलो करना चाहिए, मैंने सारा ऑलरेडी वीडियो बना कर रख दिया, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। यदि इंटरव्यू आपसे पूछे कौन सा टॉपिक क्या पढ़ के आए, तो आप ऐसा टॉपिक जो बोलिए जिससे जिसमें आप बहुत अच्छा बोल सकते हैं, आप अच्छा समझा सकते हैं, आप अच्छा उसको ड्राइव कर सकते हैं। और जो कुछ भी कॉमन क्वेश्चन जो लगभग हर एक स्टूडेंट लगभग तैयारी किए हैं, तो वो तो बोलना ही है, लेकिन आपका बोलने का तरीका कुछ, अपना वे ऑफ कम्युनिकेशन अलग होना चाहिए, आपका इंपैक्ट पड़ना चाहिए इंटरव्यूअर पर, आपका कम्युनिकेशन कैसे होता है, आपका आई कॉन्टैक्ट, आपका बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ देखा जाता है। तो आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल भी थोड़ा मजबूत रखिएगा, आप अच्छे से खाना पीना खा के पानी वगैरह पी के आप जाइएगा, आपको पूरी तरह से मौका मिलेगा। अंदर में आपका रिपोर्टिंग टाइम से पहले, आपको आधा घंटे पहले सारा कुछ हो जाएगा, और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद इंटरव्यू में 15 से 20 मिनट में आपका एक आधी कैंडिडेट का इंटरव्यू लगभग होगा। इसी से 6-7 क्वेश्चन भी कर सकते हैं, किसी से 10-12 क्वेश्चन भी कर सकते हैं, तो जैसा डिपेंड करता है इंटरव्यूअर पर, 3-4 लोग होंगे पूछने वाले। तो अपना 100% देने की कोशिश कीजिएगा, जो सवाल का आंसर नहीं आप स्किप कर सकते हैं, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बोल के आना है। तो मेरे हिसाब से आप लगभग सभी तक तैयार हो, और अपना बेस्ट बेस्ट देने का कोशिश कीजिएगा, ताकि आप सिलेक्शन हो सके और आप टाटा सिल्क का पार्ट बन जाए, मेरे लिए और खुशी की बात क्या होगी। और मैं यहाँ एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि मैंने सेकंड लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं 15 कैंडिडेट का सिलेक्शन करूँगा, और मैं अपने तरफ से उन्हें तैयार करने की कोशिश करूँगा। तो मैंने ये अपना काम मैंने पूरा कर दिया, ऐसा नहीं कि मैंने बोल के सिर्फ अपना सिर्फ व्यूज बढ़ाने के लिए ऐसा किया, तो मैंने उन लोग का लगभग कर दिया। मैंने इंस्टाग्राम और अपने मेरा टेलीग्राम चैनल पर देख सकते हैं। तो मेरे जितना हो सका आप लोगों को हेल्प किया, उन लोगों का फीडबैक भी अच्छा लगा, जैसा लगा आप उन लोग से अपने हिसाब से दिए हैं, तो अपनी तरफ से मैंने कोशिश किया है। लेकिन फिर भी आपको इंटरव्यू का क्वेश्चन का कोई गारंटी नहीं होता क्या आपसे पूछा जाए, लेकिन आपका क्वेश्चन पूछने का तरीका बिल्कुल वही रहता है, कोई चेंजिंग नहीं रहता, बस अपने जवाब आपको कैसे देना मैं आप लोग को समझा दिया है। और लास्ट वीडियो में भी इंटरव्यू वाले वीडियो में मैंने बताया सबको कि आपको कैसे देना चाहिए। और इंटरव्यू की बात करें तो ये 3 दिन का प्रोसेस चलेगा आपस में, और मैं स्पेशल 15 कैंडिडेट्स के लिए मैंने एक ग्रुप भी बनाया, जिसमें इंटरव्यू क्वेश्चन शेयर हो सके, आप अपना एक दूसरे को हेल्प कर सकें। तो चाहेंगे तो आप उस ग्रुप से भी ऐड हो सकते हैं, मैंने इंस्टाग्राम पर वो ग्रुप बनाया। दूसरी इन्फॉर्मेशन वाली बात है कि कुछ कैंडिडेट का इंटरव्यू तो जमशेदपुर में हो रहा है, कुछ लोग का माइंस में हो रहा है, बाकी जो सिलेक्शन के लिए कलिंगानगर गए हैं वो कलिंगानगर में हो रहा है। और इंटरव्यू के रिजल्ट की बात करें तो आपका इंटरव्यू अगर थर्सडे को ख़त्म होता है, तो आपका मंडे तक इंटरव्यू का रिजल्ट लगभग आ जाना चाहिए। और तो मैं बहुत जल्दी इंटरव्यू का रिजल्ट आया था, उसके बाद मेडिकल होगा, तो मेडिकल का मैं कुछ गाइडलाइंस कर दूंगा। सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, अपना कॉन्फिडेंस बरकरार रखिएगा, और बेस्ट ऑफ लक, टाटा सिल्क का पार्ट बने, मेरे तरफ से एक सभी कैंडिडेट के लिए कामना है। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।